Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to use QuickBooks and see how to search for an invoice of our customers by name, by amount, by number or by other fields which are available within QuickBooks. होता ये है कि बहुत सारी दफ़ा इनवॉइस के अगेंस्ट हमें पेमेंट्स आती हैं और हमें रिकंसाइल करके उस पेमेंट्स को हर इनवॉइस के अगेंस्ट टिक करके रखना होता है ताकि हमें पता चलता रहे कि ये पेमेंट्स जितनी आती रही हैं वो किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट आई है और कौन कौन की सी इनवॉइस हमारी फुली पेड है। हो सकता है कि इनवॉइस हमारी 5-6 हो और उसकी जो पेमेंट आई हो वो 2 या 3 इनवॉइस से कवर कर रही हो, तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो पेमेंट आई है वो कितनी इनवॉइसेस को कवर कर रही है या कवर एक को भी नहीं कर रही, सिर्फ पार्शियल पेमेंट आई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में होती हैं और हमें ये देखना होता है कि इसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करें ताकि हमारा काम आसान हो। ये काम जहाँ मैनुअल होता है वहाँ तो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें अपने तमाम क्लाइंट्स और कस्टमर्स के अलग-अलग फ़िज़िकल फ़ाइल मेंटेन करनी पड़ती है और उसमें जा जा के हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ये सहूलत मौजूद है कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी इनवॉइस निकालें और उसको मार्क करें कि दिस हैज़ बी पेड। आइए हम चल के देखते हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ क्विक बुक्स में कर सकते हैं और वो हमें किस तरह से इसमें फैसिलिटेट करेगा। सबसे पहले जैसे आपको पता है हमें होम पेज पे जाना है और होम पेज पे हमने जाके ये देखना है कि आया हमारे ये तमाम जो हमारी इनवॉइसेस हैं अगेंस्ट हमारे कस्टमर्स सारी मौजूद कहाँ हैं और जब पेमेंट आएगी तो हम कैसे ढूंढेंगे कि ये पेमेंट हमारी किस इनवॉइस के और किस क्लाइंट या कस्टमर के अगेंस्ट आई है। आमतौर पे होता ये है कि कस्टमर या क्लाइंट हमें बता के पेमेंट भेजता है और चेक के ऊपर अपना नाम लिखकर या स्टैंप करके हमें देता है और हम वो स्टैंप देख के उसका नाम देख के हमें पता जाता है कि ये हमारा कौन सा कस्टमर है। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ये प्रैक्टिकल काम हो रहा है, प्रैक्टिकल बिजनेस चल रहा है, तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। आइए सबसे पहले तो हम ये देखें कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा चेक हमारे किसी कस्टमर का आ जाए तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे और उसको कैसे ढूंढेंगे। जब भी हम कोई पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपको इस होम पेज पे इनवॉइस के आगे अगला जो स्टेप नज़र आ रहा है वो कहलाता है रिसीव पेमेंट का। हमने सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ जाके हमने एक पेमेंट रिसीव करनी है और रिसीव पेमेंट करने से भी पहले हमने ये देखना है कि आया हमारे पास ये जो पेमेंट आ रही है वो हम जब तक कि ये रियलाइज़ ना हो जाए। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपको चेक मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे आपके अकाउंट में आ गए। जब हमें चेक मिलता है तो हमें उसकी क्लियरेंस का इंतज़ार करना होता है और बैंक हमें बताता है कि ये क्लियर हो गया या नहीं। तो जब हमारे पास कोई डिपॉज़िट आएगा, कोई डिपॉज़िट स्लिप आएगी, कोई चेक आएगा तो हम उसको अपने पास नोट कर लेंगे और बैंक में उसे डिपॉज़िट करवा देंगे और जब तक बैंक से हमें उसकी क्लेरिफिकेशन ना आ जाए, उसकी इंटीमेशन ना आ जाए कि ये क्लियर हो गया, ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल में खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसकी पेमेंट डालेंगे तो ये एक और अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। आइए वो देखते हैं वो कौन सा अकाउंट है और कहाँ पाया जाता है। हमें जाना है प्रेफरेंसेस और हमें पेमेंट्स में जाना है, कंपनी प्रेफरेंसेस। यहाँ आपको रिसीव पेमेंट की बहुत सारी ऊपर नज़र आ रहे हैं कि मेरी कंपनी में क्या क्या प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। जो हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमने अपना अनडिपॉजिटेड फ़ंड जो पेमेंट की सूरत में हमारे पास अभी आया है, हमने अभी डिपॉजिट नहीं कराया, क्या उसके लिए हमने कोई एक अकाउंट बनाया है? तो उसका जो अकाउंट है वो कहलाता है अनडिपॉजिटेड फ़ंड अकाउंट और ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट होगा और इसको हम टिक करेंगे और इसको हम इस्तेमाल करेंगे जब तक कि हमारा पास ये फ़ंड डिपॉजिट ना हो जाए और फाइनल होके हमारे अकाउंट में ना आ जाए। तो हमने यहाँ आकर अगर ये टिक्ड नहीं है तो हमने इसे टिक करना है, इसको हमने टिक करेंगे और जब भी हम कोई चीज़ प्रेफरेंस में जाके चेंज करते हैं और ओके करते हैं तो याद रहे हमारा तमाम का तमाम पूरी स्क्रीन बंद होगी और दोबारा से ऑन होगी। तो हम इसे ओके करते हैं और ये क्विक बुक्स भी हमें यही कह रहा है कि ऑल विंडोज़ आर गोइंग टू क्लोज। अब हमने अपना होम पेज खोलना है दोबारा से, क्योंकि ये चेंज अफेक्ट में आ गई है। अब हमारे पास एक इन्वॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आई है, पेमेंट आई है चेक की सूरत में, उसे हमने जमा कराना है, लेकिन पहले हमने उस पेमेंट को रिकॉर्ड करना है कि ये चेक हमारे पास आ गया। जैसे ही हम स्क्रीन खोलेंगे तो हमारे पास कस्टमर पेमेंट की स्क्रीन आ जाएगी और सबसे पहला वो हमसे सवाल पूछ रहा है कि ये रिसीव आपने किससे किया। यहाँ आपने अपने कस्टमर का नाम देना है और कस्टमर हमारे पास इस वक्त है क्रिस बेकर। जैसे ही हमने उसको चूज़ किया है, हमारे पास उसके तमाम इनवॉइसें अब तक अनपेड थी, वो उठ के हमारे पास स्क्रीन पे आ गई। ऑल दीज आर अनपेड इनवॉइसेस फॉर बेकर क्रिस। इसमें हो सकता है वो हमारे एक इनवॉइस की पेमेंट कर रहा हो या लमसम 2-3 की कर रहा हो, जिसकी भी करना है। जैसे कि आप अपनी डिपॉजिट स्लिप पे सबसे पहला काम ये करते हैं कि कस्टमर का नाम बाद में लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं अपना नाम, अकाउंट नंबर और तीसरी चीज़ जो आप लिखते हैं वो लिखते हैं अमाउंट। तो यहाँ भी आपके पास ऑटोमेटिकली कस्टमर का नाम आ रहा है, आप फ़ौरन यहाँ अमाउंट लिखें। इस वक्त हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या होगा। हमने एक अमाउंट लिख दी 10,000 रुपये। अब वो आपसे डेट मांग रहा है और चेक का नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास चेक नंबर है, जो कि यकीनन होगा आपके पास, आप यहाँ चेक का नंबर दें। इसके बाद ये कह रहा है कि इन तमाम जो हमारी इनवॉइसें हैं अनपेड, किसके अगेंस्ट ये पेमेंट आई है। हम चाहें तो पहली जो हमारी इनवॉइस नज़र आ रही उससे शुरू कर सकते हैं, या जो हमारे अमाउंट के क्लोजेस्ट है हम उसके साथ ये काम कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, ये जो टिक मार्क है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये इसको ऑटो फिल कर देगा, लेकिन अभी हम फ़िलहाल कुछ नहीं करते। हम कहते हैं कि ये जो पैसे हमारे पास आए हैं ये हमने इस ख़ास चेक के अगेंस्ट वसूल किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैसे भी उतने ही आए हैं और जो हमारी इनवॉइस की अमाउंट थी वो भी उतनी ही है। हमारे बाकी जितने भी इनवॉइसेज हैं वो अभी अनपेड हैं, यानी कि उनकी पेमेंट पूरी नहीं हुई। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, इसका मतलब ये होगा कि ये इनवॉइस अब हमारे पास लिस्ट से बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास अब पेमेंट आ गई है। ये काम ज़रा सोच समझ के करने वाला है और जब भी आप ये कर रहे होंगे तो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको पूरी डिटेल देगा कि इस इनवॉइसेस के अगेंस्ट आज इतनी पेमेंट आ गई है, टिक करके देगा और वही काम आपने यहाँ करना है। यहाँ हमने अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना, ये पूरा एक टीम वर्क है। ये इन्फॉर्मेशन आपको आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट साथ साथ दे रहा होगा कि आज ये इतने चेक मौसूल हुए हैं, इतने हमारे कस्टमर्स के चेक हैं और इन कस्टमर्स की ये इनवॉइसेस आप क्लियर कर दें। अच्छा, इस केस में उसने हमें पूरे पैसे दे दिए और हमने उसे चेक कर लिया। इस केस में हमें यह भी पता था कि हमारा कौन सा कस्टमर है और हमने बड़ी आसानी से उसे ढूंढ लिया है और उसकी पूरी की पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई है। अच्छा, हो सकता है कि हमारे पास एक और सिनेरियो भी देखें। इस वक्त मैं इस चीज़ को सेव नहीं कर रहा और बाहर जा रहा हूँ, उसकी वजह अभी आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सी दफ़ा जो हमारा अकाउंटिंग या बिज़नेस का साइकिल होता है उसमें ये होता है कि मेरी तरफ से या कस्टमर की तरफ से कोई और बंदा हमें चेक भेज देता है। अच्छा, वो क्यों भेज देता है? वो भेज इसलिए देता है कि उसने कोई ट्रांजैक्शन की है हमारे कस्टमर के साथ। अब उसने कस्टमर को पेमेंट करनी है। अब वो पेमेंट पहले कस्टमर के पास अकाउंट में जमा होगी, फिर कस्टमर चेक बनाएगा, फिर हमारे अकाउंट में जमा होगी, तो उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। तो कस्टमर कहता है यार मुझे पेमेंट ना करो, तुम ऐसा करो कि ये एक मेरे वेंडर हैं, आप उनको डायरेक्ट पेमेंट कर दें। जब भी कस्टमर अपने किसी कस्टमर से कहेगा कि वो डायरेक्ट पेमेंट हमें कर दे, तो वो आम तौर पे ये करते हैं कि चेक के साथ उसका जो इनवॉइस नंबर है वो लिखकर भेज देते हैं। और अब हमें इस पूरे सिनेरियो में वो इनवॉइस ढूंढनी है जिसके अगेंस्ट ये पेमेंट आई है, और क्योंकि ये पेमेंट हमारे ओरिजिनल कस्टमर से नहीं आई इसलिए कि उसके ऊपर जो स्टैंप होगा वो हमें नहीं मिलेगा। यानी जब हम रिसीव पेमेंट में जाएंगे तो हमारे पास रिसीव्ड फ्रॉम में डालने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ ये होगा कि उस क्लाइंट ने जो चेक हमें भिजवाया है उसके ऊपर अपना इनवॉइस नंबर लिख दिया है। इनवॉइस नंबर ढूंढने का क्या तरीका है? अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ एक जगह लिखा है लुक अप कस्टमर और इनवॉइस। ये सर्च और फाइंड का तरीका है जो हमें सिस्टम दे रहा है। जैसे हमने यहाँ सर्च और फाइंड या कस्टमर नंबर या इनवॉइस वाली चीज़ क्लिक की तो हमारे पास एक स्क्रीन आ गई और हम यहाँ वो इनवॉइस नंबर दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट वो हमें चेक मिला है। ये वो इनवॉइस नंबर था क्रिस बेकर का जो हमें चेक के ऊपर लिखा हुआ था कि उस पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट ये पेमेंट आई है। तो जैसे ही हमने वो नंबर डाल के सर्च का बटन दबाया हमारे पास वो वाली इनवॉइस लिस्टेड है। और यहाँ नीचे हमसे क्विक बुक सवाल कर रहा है यूज़ सिलेक्टेड कस्टमर और ट्रांजैक्शन, हमने कहा जी हाँ यही वाली जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है। और क्रिस बेकर हमारे सामने आ गया है और क्योंकि हमें पता है कि ये पेमेंट हमारी पूरी की पूरी 10,000 रुपये ये इस फलानी इनवॉइस के अगेंस्ट आई है। ऑल वी हैव टू डू इज़, अब देखिए ज़रा यहाँ अगर मैं डायरेक्ट टिक करता हूँ तो क्या होगा, अब हमारे पास जो ये अमाउंट आ गई है ये हमने सेलेक्ट कर ली है और जैसे ही हम सेव करेंगे ये इनवॉइस हमारी पे हो जाएगी। अब इससे भी बुरा हाल हो सकता है। अब एक तीसरा सिनेरियो देखिए, इस सिनेरियो में ये होता है कि हमारे पास एक चेक आ गया, ये चेक हमारे कस्टमर या क्लाइंट की तरफ से भी नहीं है और इस पे इनवॉइस नंबर भी नहीं लिखा, इस पे सिर्फ एक अमाउंट है अगेंस्ट कोई भी इनवॉइस। अब हमें ढूंढना है वो इनवॉइस जिसके ऊपर ये अमाउंट आई हो, उसके लिए भी हमें रिसीव पेमेंट में जाना है और लुकअप कस्टमर या इनवॉइस। इन दिस केस हम इनवॉइस की अमाउंट ढूंढ रहे हैं जो कि है 10,000। हमारे पास अब बहुत सारी इनवॉइस जो 10,000 की हैं सारी सिलेक्ट होके आ गई, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है तो हमें याद आया है कि हाँ ये वही क्लाइंट या कस्टमर है जो हमें क्रिस बेकर की पेमेंट्स भेजता रहता है। हमारे पास रिकॉर्ड में भी होगा कि हमारे पास जो चेक्स आ रहे हैं पिछले इस वेंडर से वो हमारे किस कस्टमर के लिए ये हमें भेज रहा है। इस दफ़ा उसने इनवॉइस नंबर नहीं लिखा तो हम उसे अमाउंट से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस ड्रॉप डाउन को ज़रा काइंडली देखें, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि हम अपनी सर्च किस किस पैरामीटर्स के थ्रू कर सकते हैं, डेट रेंज के थ्रू, अमाउंट रेंज के थ्रू, कंपनी नेम, जॉब, कस्टमर अकाउंट नंबर, ये तमाम वो सर्च फील्ड्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। बेसिकली होता ये है कि हमने इनवॉइस को ट्रैक करना है कि जो हमारी इनवॉइस है इसकी पेमेंट कब और कौन से चेक के थ्रू आई, और ये हम जैसे ही ट्रैक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेगा। ऑल वी नीड टू डू, ह्यूमन इंटरवेंशन क्या है, अकल हमने ये इस्तेमाल करनी है कि हमें ये ट्रैक करना है कि ये इनवॉइस थी, ये पेमेंट आई है, हम इन दोनों को मैच करें। ये कंप्यूटर अभी ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा, इसीलिए इंसान की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन पीछे की सारी अकाउंटिंग, सारी रिकॉर्ड कीपिंग ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स कर रहा है। तो अगर हमने ये सेलेक्ट किया तो हमारे पास वंस अगेन वो तमाम चीज़ें जो उससे एसोसिएटेड थी वो आ गई हैं। हमने यहाँ उसकी अमाउंट डालनी है और उस पर्टिकुलर इनवॉइस को टिक करके सेव कर देना है। ये तरीक़ेकार है, जब भी हमारे पास कोई ना कोई इनवॉइस आए, उसकी पेमेंट आए, तो हम उसे ट्रैक करें, लिंक करें और रिकॉर्ड करें। सो इन कंक्लूजन, हमें हर तरीके से अकाउंट्स पेबल के लिए ये ज़रूरी है कि इनवॉइस को हम ट्रेस कर सकें, उसको ट्रैक करें, उसको लिंक करें और उसको रिकॉर्ड करें ताकि हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म कंप्लीट रहे, हमारा सारा ट्रैक ऑडिट ट्रेल कंप्लीट रहे और हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड अप टू द मार्क रहे। थैंक यू सो मच।